हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए मैक्रेम का हार्ट शेप किचन हैंगर लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट डिजाइन्स का अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैक्रेम हार्ट शेप किचन हैंगर बनाने के लिए 1.5 इंच की रिंग, 7.5 इंच की हार्ट शेप रिंग, मैक्रेम दो कलर, मैंने 3 मीटर का 4 कॉर्ड लिया है पट्टी के लिए, एक ग्रीन कलर का डायमीटर का 6 कॉर्ड लिया है, इसको 2 मीटर का 12 कॉर्ड लिया है, बिग साइज बिट्स 2 कलर में, स्मॉल साइज बिट्स 2 कलर में, बेल्ट, की हुक, लाइटर, सीजर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये 1.5 इंच का रिंग लेनी है, उसके अंदर मैंने 3 मीटर का 4 कॉर्ड डाली हूँ पट्टी बनाने के लिए। पहले ये 4 कॉर्ड को सिंपल सा नॉट डालनी है। अभी ये बीच का 1 कॉर्ड लेके इसके ऊपर डालनी है। अभी एक कॉर्ड को एक कॉर्ड का नीचे से लेके ऊपर के गैप में से निकालनी है, ऐसा आएगी। अभी एक कॉर्ड को इस साइड में एक कॉर्ड को ऊपर डाल के निकालनी है, फिर एक कॉर्ड के नीचे रख के नीचे से लेनी है। अभी ये 4 कॉर्ड को मिला के गांठ बनानी है। इस टाइप का नॉट डालनी है। अभी बीच का ये 2 कॉर्ड में बीट्स डालनी है। गांठ बनानी है। अभी फिर से रिकॉर्ड को इसके ऊपर डालनी है। फिर अभी इस साइड वाला फिर से 4 कार्ड को गांठ बनानी है। अभी फिर से ये बीच में ये 2 कार्ड में बीच डालनी है। अभी फिर से कॉर्ड में से निकालना है। अभी फिर से इसमें ये 2 कॉर्ड में बीट्स डालनी है। अभी
लेस डाल के गांठ बनानी है। अभी फिर से ऐसा डिजाइन डालनी है। इसके बाद और एक पिंक कलर का बीट्स डाल के बनानी है। मैंने इस साइड में पट्टी बना के कंप्लीट किया है, ऐसा ही इस साइड में भी पट्टी बनानी है। पहले चार कॉर्ड को गांठ बनानी है। एक कॉर्ड को ऊपर से एक बार डाल के निकालनी है ऊपर से। अभी नीचे से अभी एक कॉर्ड को भी इस साइड वाला कॉर्ड के ऊपर डाल के निकालनी है। अभी नीचे से रख के एक कॉर्ड को एक गैप में से निकालनी है। अभी इधर चार कॉर्ड को मिला के गांठ बनानी है। बीच के दो कॉर्ड में बीट्स डालनी है। बीट्स डाल के गांठ बनानी है। बीच वाला कॉर्ड को इसके ऊपर एक बार डाल के निकालनी है। सही, तो बाकी का पट्टी भी बनानी है। मैंने इस साइड में पट्टी बना के कंप्लीट किया है। अभी दोनों साइड से पट्टी कंप्लीट हो गई। हार्ट शेप का रिंग लेनी है। इसके अंदर एक ग्रीन कलर का डायमीटर का कॉर्ड डालनी है बीच में। मैंने इधर छह कॉर्ड डाली हूँ डायमीटर की। अब इधर साइड में ये दो मीटर की कॉर्ड डालनी है।
मैंने इधर चेकआउट डाल के कंप्लीट किया है। ऐसा ही ये साइड में भी चेकआउट डालनी है। मैंने साइड में कॉस्ट डाल के कंप्लीट किया है। मैंने ये 2 मीटर की चेकआउट डाली हूँ और इस साइड में भी 2 मीटर की चेकआउट डाली हूँ। बीच में डायमीटर का कॉर्ड डाली हूँ। अभी सभी कॉर्ड्स में गांठ बनानी है। मैंने इधर 3 गांठ डाल के कंप्लीट किया है। ऐसे बाकी का भी कॉर्ड्स में गांठ बनानी है। मैंने सभी कॉर्ड्स में गांठ बना के कंप्लीट किया है। अभी बीच का गांठ है, इसका बीच का 2 कॉर्ड में बीट्स डालनी है। बीट्स डाल के गांठ बनानी है। अभी एक कॉर्ड लेनी है, इस साइड वाला 4 कॉर्ड को इसके ऊपर पाइपिंग करनी है। मैंने इधर पाइपिंग कंप्लीट किया है। अभी दूसरा कॉर्ड से भी पाइपिंग करनी है। इधर अभी पाइपिंग कंप्लीट हो गई। ऐसा ही ये साइड में भी पाइपिंग करनी है। मैंने साइड में पाइपिंग करके कंप्लीट किया है। अभी बीच का 4 कॉर्ड में गांठ बनानी है। इधर ये 2 गांठ बन गई। अभी ये साइड वाला 2 कॉर्ड, ये पाइपिंग किया हुआ 2 कॉर्ड, ये 4 कॉर्ड को मिला के गांठ बनानी है। और बीच का 4 कॉर्ड को भी गांठ बनानी है।
ऐसा ये साइड में भी चार कार्ड को मिला के घाट बनानी है। अभी इधर तीन घाट बन गए, अभी बीच में दो घाट बनानी है, दोनों का बीच में। अभी इधर थोड़ा घाट कंप्लीट हो गई, पहला ये वाला कॉर्ड लेनी है, सभी कॉर्ड्स को इसके ऊपर पाइपिंग करनी है। अभी एक और से भी पाइपिंग करनी है। इधर अभी पाइपिंग कंप्लीट हो गई, ऐसे ये साइड में भी पाइपिंग करनी है। ये साइड में पाइपिंग कंप्लीट किया है, अभी बीच में कुछ और पार्ट्स को गट बनानी है। अभी इधर एक डिजाइन कंप्लीट हो गई, ऐसा ही बीच में डिजाइन बनानी है, ऐसा ही डिजाइन बनानी है। मैंने बीच में डिजाइन बना के कंप्लीट किया है, ऐसा ही इस साइड में भी डिजाइन बना के कंप्लीट किया। अभी इधर तीन डिजाइन बन गई, अभी ये दोनों के बीच में इधर डिजाइन बनानी है। ये दो कार्ड लेनी है, इस साइड का दो कार्ड लेनी है, दोनों कलर का कॉस्ट को गाट बनानी है। एक और से पाइपिंग करनी है। दूसरा कॉर्ड से भी पैकिंग करनी है। इधर पाइपिंग कंप्लीट हो गई, ऐसा ही इस साइड में भी पाइपिंग करनी है। मैंने इस साइड में पाइपिंग करके कंप्लीट किया है। अभी ऊपर कैसा बना है, ऐसे ही गाट बना के डिजाइन बनानी है।
दोनों कलर का कॉर्ड लेके गट बनानी है। चार कॉर्ड को भी गाँठ बनानी है। ऐसा ये साइड में चार कॉर्ड को भी गाँठ बनानी है। इधर घाट बना के कंप्लीट किया है। अभी इस साइड वाला कॉर्ड लेके पाइपिंग करनी है। एक और से भी पाइपिंग करनी है। मैंने इस साइड में पैकिंग करके कंप्लीट किया है। ऐसा ये साइड में पैकिंग करनी है। मैंने इस साइड में पैकिंग कंप्लीट किया है। अभी गाँठ बनानी है। अभी इधर डिजाइन बन गई। ऐसा ही इधर भी ये दोनों के बीच में इधर डिजाइन बनानी है। मैंने इधर डिजाइन बना के कंप्लीट किया है। अभी ये दोनों के बीच में इधर डिजाइन बना के कंप्लीट किया। अभी ये सभी कॉर्ड्स रिंग में अटैच करनी है। मैंने सभी कॉर्ड्स को रिंग के अंदर से निकाल दिया। अभी रिंग ऐसे ऊपर आएगी। अभी एक एक कॉर्ड रिंग के नीचे से लेनी है, उनको ऊपर डाल के निकालनी है। अभी उसको टाइट करके नीचे से लेनी है। दूसरा कॉर्ड भी नीचे से लेनी है। अभी ऐसे
मीटर का, दोनों साइड को कॉर्ड्स को रिंग में अटैच करनी है। इसको टाइट करने की और दोनों साइड के पार्ट्स को अटैच करनी है। ऐसा एक और सभी कॉर्ड्स रिंग में अटैच करनी है। मैंने सभी कॉर्ड्स रिंग में अटैच कर दिया, ये पूरा अटैच हो गया। फ्रेंड्स अभी इधर पट्टी अटैच करनी है, दोनों साइड में पट्टी पहले से बना के रखी हूँ। अभी ये कॉर्ड लेनी है, रिंग के नीचे से लेनी है, नीचे से लेके जाके फिर ये साइड में लेके आनी है। इसका नीचे से ये कॉर्ड के नीचे से लेनी है, टाइट करनी है, फिर ये कॉर्ड को ये साइड में लेके आनी है अंदर का साइड में, फिर इधर से रिंग के नीचे से लगानी है, रिंग के नीचे से लेके गैप में से निकालनी है। इसका जैसा ही इधर फिक्स हो जाएगी कॉर्ड। अभी दूसरा कॉर्ड भी ऐसा ही नीचे से, नीचे से लेनी है, फिर ये कॉर्ड को नीचे ले साइड में नीचे लेके जानी है। इसको ये साइड में लेके आके ये साइड से एक और को किनारे को रिंग के नीचे लगानी है, फिर ऊपर के गैप में से निकालनी है। अभी इधर दो कॉर्ड अटैच हो गई, ऐसे ही तीसरा कॉर्ड भी रिंग के नीचे से लेनी है कॉर्ड को, फिर एक कॉर्ड को फिर नीचे से लेके आनी है ऊपर से, फिर इसको अंदर साइड में लेके आके टाइट करनी है। टाइट करके एक किनारे को नीचे से लेनी है। मैंने इधर ये चौथा कॉर्ड भी अटैच कर दिया। अभी ये पहले अटैच किया ये कॉर्ड को, तो सभी कॉर्ड को रिंग के अंदर डालनी है। अभी रिंग के नीचे से नीचे साइड में ऊपर लेके आनी है, फिर नीचे से तो सभी कॉर्ड को ऐसे अटैच किया ऐसे ही, तो चार कॉर्ड को भी अटैच करनी है, ये गैप कवर हो जाएगी। अभी ये तीसरा कॉर्ड को भी निकाल के अटैच करनी है। इसको टाइट करके नीचे से लेके आनी है। अभी
चौथा कॉर्ड को भी। अटैच करनी है। इधर इस साइड का पट्टी अटैच हो गई। तो कॉर्ड को मैंने नीचे लेके आके नीचे इधर रिंग में फिटिंग कर दिया। ऐसा ये साइड में भी पट्टी को अटैच करनी है। फ्रेंड्स मैंने इस साइड में ये पट्टी अटैच कर दिया। तो कॉर्ड्स को नीचे लेके आके नीचे भी अटैच कर दिया। अब ये पूरा पट्टी अटैचमेंट हो गई। अभी ये सभी कॉर्ड्स को पाइपिंग करनी है। अभी ये लास्ट वाला दो कॉर्ड ले ली है। पहले ये वाला ये कॉर्ड छोड़ के पहले ये वाला कॉर्ड लेनी है। एक कॉर्ड के नीचे रख के एक कॉर्ड से पाइपिंग करनी है। ऐसा ही एक दूसरा वाला कॉर्ड को भी पाइपिंग करनी है। अभी ये वाला कॉर्ड लेनी है, इसको टाइट करके तो दोनों कॉर्ड से पाइपिंग करनी है। अभी ये वाला कॉर्ड लेनी है, पैकिंग करनी है दोनों कॉर्ड से। ऐसा ही ये सभी कॉर्ड्स को ये बीच में आने तक दोनों कॉर्ड से पाइपिंग करनी है। मैंने इधर तक पाइपिंग करके कंप्लीट किया है। अभी ऐसा ही ये साइड में भी पाइपिंग करनी है। ये लास्ट वाला दो कॉर्ड लेनी है। लास्ट वाला कॉर्ड छोड़ के ये सेकंड वाला कॉर्ड लेनी है, इसका नीचे रख के ये कॉर्ड से पाइपिंग करनी है। लास्ट वाला कॉर्ड को भी पाइपिंग करनी है। अभी ये वाला कॉर्ड को पाइपिंग करनी है। कॉर्ड को टाइट करके पाइपिंग करनी है। ऐसा ही पाइपिंग करके इधर तक बनानी है। मैंने इधर पाइपिंग करके कंप्लीट किया है। अभी इस साइड का दो कॉर्ड इस साइड का दो कॉर्ड से गांठ बनानी है।
अभी ऊपर का, इधर गाँठ बनाया ऐसा ही, इधर भी गाँठ बनानी है। फिर से गाँठ बनानी है। फ्रेंड्स ये पूरा डिजाइन कंप्लीट हो गई। इधर अभी काली जगह को डिजाइन बनानी है। मैंने 1 मीटर का कॉर्ड लिया है, ये नीचे से कॉर्ड रखनी है, इसको नीचे से ऊपर से एक बार नीचे से एक बार ऊपर से रिंग में कैसा डालते हैं ऐसा ही पूरा जगह को कवर करनी है। मैंने पूरा इधर कंप्लीट किया है, ऐसा ही इस साइड में भी कंप्लीट करनी है। मैंने बेल्ट डालने के लिए कॉर्ड्स को क्रॉस में काट के चिपका दिया, बेल्ट डाल के कंप्लीट किया है। अभी मैंने इधर रिंग में डिजाइन डाल के कंप्लीट किया इस साइड में, और ऊपर का रिंग में भी मैंने डिजाइन बना के कंप्लीट किया है, कॉर्ड्स को पीछे साइड में चिपका दिया। अभी बीच का डिजाइन में मैंने क्यूब डाल के कंप्लीट किया है। अभी ये पूरा हार्ट शेप किचन हैंगर कंप्लीट हो गई। फ्रेंड्स ये मेरा हार्ट शेप किचन हैंगर कंप्लीट हो गई। फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नया वीडियो में नया डिजाइन के साथ।